साल से मिलकर निकलते यूनिवर्सिटी पूसा से। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सब्जेक्ट है, लेकिन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने में। रिप्रोडक्शन के साथ साथ हेल्थ प्रोडक्शन को मेंटेन करने के में भी बॉडीज में फास्फोरस का एक ऑप्टिमम लेवल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फील्ड कंडीशन में ये ऑप्शन बहुत इग्नोर किया जाता है। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि हम लोग फील्ड में कितना मात्रा फास्फोरस का दे रहे हैं उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। कई बार फास्फोरस का सिम्टम को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी हम लोग डिफिशेंसी को नहीं जज कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग आज फास्फोरस के बारे में बात करेंगे कि इसका हेल्थ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन पर क्या रोल है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि फास्फोरस के डिफिशेंसी से किस किस टाइप का सिम्टम बॉडी में, बहुत डाइवर्स टाइप का सिम्टम आता है। जैसे कि खास करके बरसात के दिनों में एक लेमिनाइटिस का, जॉइंट्स में स्वेलिंग का प्रॉब्लम आता है, माइल्ड ब्लोट का सिम्टम आता है, और इसको हम लोग डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि फास्फोरस की डिफिशेंसी की वजह से होता है। कई बार लेमिनाइटिस के लिए बहुत हायर एंटीबायोटिक्स या लेमिनाइटिस के लिए बड़ा स्पेसिफिक दवा देना शुरू करते हैं और वो फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वैसे एनिमल्स में एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एनिमल्स थोड़ा सा डिबिलिटेटिंग कंडीशन में होता है, एनोरेक्सिया माइल्ड एनोरेक्सिया होता है, लेमिनाइटिस होता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग होता है, मिल्क प्रोडक्शन भी बिल्कुल थोड़ा कम रहता है। और वैसे एनिमल्स में देखेंगे कि वो ग्रीन पाउडर ज़्यादा उनको मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ फास्फोरस वाले इंग्रेडिएंट्स उसको नहीं दिया जा रहा, ग्रेन का पार्ट कम दिया जा रहा है, उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। ये सिम्टम्स में स्टिफनेस इन हैंड लेग, यह हैंड लेग में ज़्यादा ये प्रोमिनेंट सिम्टम दिखता है। कई बार मसल में भी काफ़ी क्रैम्प होता है, उस वजह से लेमिनाइटिस दिखता है, जॉइंट्स में काफ़ी स्वेलिंग दिखता है इसके वजह से। चूँकि फास्फोरस के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हमारे बॉडी में सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर कैल्शियम, तो जैसे ही फास्फोरस का कमी होगा तो चूँकि ब्लड फास्फोरस वो होम्योस्टैटिक प्रोसेस है कि वो बोन के अंदर से फास्फोरस मोबिलाइज होकर ब्लड में आएगा ब्लड कंसंट्रेशन को ऑप्टिमम करने के लिए। तो वैसे कंडीशन में जो जब भी बोन से फास्फोरस मोबिलाइज होगा तो बोन सॉफ्ट होगा। अगर वैसे बोन को हम लोग बाहर निकाल के देखेंगे तो बिल्कुल वो रेडिश टाइप से वो लाइनिंग दिखेगा, एवर पोस्टमार्टम ऐसा दिखता है, वो बोन काफ़ी फ्रेजाइल हो जाएंगे। खास करके जो पतले बोन है, रिब्स के हैं बोन या लेग्स के बोन है, वो काफ़ी फ्रेजाइल हो जाते हैं और हल्का ट्रॉमेटिक कंडीशन में भी वो फ्रैक्चर होने का संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली वो अगर फास्फोरस का डिफिशियंसी होगा तो मिल्क यील्ड रिड्यूस करेगा ही। उसके अलावा एक बड़ा कॉमन सिम्टम हम लोग देखते हैं, पाइका के नाम से जिसको जानते हैं, इसको डिप्रेस्ड एपेटाइट बोलते हैं। इस पाइका के सिम्टम के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया जानते हैं। एनिमल्स जो है कई बार वो कुछ भी खाने, लकड़ी खाने लग जाएगा, हड्डी खाने लग जाता है, कपड़ा चबाने लग जाता है, और वो कई बार उसको देखेंगे कि अपना यूरिन वो पेशाब खुद से पीने लगता है। तो ये सिम्टम है पाइका का, इसमें बहुत सीवियर डिफिशेंसी है फास्फोरस का। पाइका सिर्फ एक प्रॉब्लम ही नहीं है, ये इनके वजह से रिप्रोडक्टिव फंक्शन का भी डिस्टर्ब होता है। पाइका एक रिफ्लेक्शन है इस बात का कि बॉडी में फास्फोरस का कमी है। फास्फोरस के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बॉडी के हर रिएक्शन में इनका रोल है। हम लोग एटीपी के बारे में जानते हैं कि जो बॉडी के अंदर जो टीसीएस साइकिल है एनर्जी रिलीज का, बहुत सारे डिमोटेट्स होकर गुजरते हैं, इस दौरान एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फास्फोरस उसका भी पार्ट है, तो जो कि बॉडी को एनर्जी रिलीज कराता है, प्रोड्यूस कराता है, जो हम लोग को एनिमल्स को जिससे एनर्जी मिलता है इन एटीपी फॉर्म, वो भी एक वहाँ भी फास्फोरस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फास्फोरस डिफिशेंसी का कॉमन फील्ड कंडीशन और सिम्टम दिखता है, एनिमल्स का कोट बिल्कुल ड्राई होगा, अगर आप उसको उल्टा डायरेक्शन में हाथ फेरेंगे तो वो कई बार उसमें से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, आँख जो है काफ़ी वो डल होता है, बिल्कुल जो लस्टरस आई होना चाहिए वैसा नहीं दिखेगा, जनरल अपीयरेंस बड़ा गंदा सा अपीयरेंस दिखता है। तो वो सब सिम्टम है कि वो फास्फोरस का उसको डिफिशेंसी है। कई बार आरओपी का भी इंसिडेंस होता है फास्फोरस की डिफिशियंसी से, जो एक बार प्रेग्नेंट है उसमें फास्फोरस का लेवल ऑप्टिमम नहीं है ब्लड में,
तो वो अगर कार्विंग होता है तो जो प्लासेंटल और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो बाहर निकलता है, जिसको जेब निकलना हम लोग बोलते हैं, वो प्रॉपरली और बिल्कुल टाइमली बाहर नहीं निकल पाता है। आरोपी का हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं कि अगर रिटेंशन हो गया प्लासेंटा का या छोटा सा पार्ट का भी, किसी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का पार्ट अगर वो यूटेरस में रह गया, बाहर से ओस बंद हो गया, तो वो अंदर में प्यूट्रिफाइड होगा, पायोमेट्रा फॉर्म करेगा, मेट्राइटिस सिंड्रोम मेट्राइटिस होगा। कई बार ओपन पायोमेट्रा होता है तो उसको बहुत आसानी से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो लोचियल डिस्चार्ज काफ़ी लंबे दिन तक हो रहा है, स्मेल आ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा दिन तक अगर हो रहा है तो वो ओपन पायोमेट्रा का प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग बिल्कुल डायग्नोज कर लेते हैं, ट्रीट भी कर लेते हैं टाइमली। लेकिन क्लोज पायोमेट्रा एक बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है फील्ड कंडीशन में, स्पेशली फॉर्म्स में, जहाँ पे कि वो सारा जो जेयर जिसको बोलते हैं वो बाहर नहीं निकलता है, कुछ पार्ट या पूरा पार्ट कई बार अंदर रह जाता है। कई बार उसको मतलब जो एक्सपर्ट्स नहीं है लोकल प्रैक्टिसर, कई बार हार्ट आउट के बाहर निकालते हैं, वो भी एक इन्फेक्शन का सोर्स अंदर में डाल देते हैं। और इसका सिम्टम हमको तब दिखता है जब वो वीक लैक्टेशन पहुँचने वाला होता है, यानी कि करीब 20 से 25 दिन का टाइम जो ईयरली लैक्टेशन स्टेज है, जब जैसे ही ख़त्म होगा, जब आपका पीक लैक्टेशन आना होगा, उस समय दूध बढ़ने के बजाय अचानक से घटना शुरू हो जाएगा, अडल्ट का में श्रिंकिंग शुरू हो जाएगा, एनोरेक्सिया का प्रॉब्लम, पायरेक्सिया का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कई बार ये केस अनडिटेक्टेड रहते हैं, पता नहीं चलता है कि ये क्लोज पायोमेट्रा का केस है, लेकिन अगर आप टाइमली डिटेक्ट करें तो उसमें ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एनिमल का जो ऑस क्लोज है उसको आप बाहर फैलें। उसके लिए हम लोग हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, जनरली प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। जब ऑस खुलेगा तो वो जो भी अंदर का डिस्चार्ज है यूटेरस के अंदर जो भी पस है मटेरियल भरा हुआ है, पेट्रीफाइड मटेरियल, वो बाहर निकलता है। लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है, तो उससे बचने के लिए फास्फोरस इज वन ऑफ द रीजन की जिसके वजह से यह प्रॉब्लम आता है। जिस हार्ट में के न्यूट्रिशन लेवल में फास्फोरस का डिफिशेंसी रहता है, वहाँ पे एबॉर्शन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, ये भी ऑब्जर्व किया जाता है। प्री मेच्योर बर्थ का होना, लेवर स्टिल बर्थ का होना, इस टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है फास्फोरस डिफिशेंसी की वजह से। एनोरेक्सिया, माइल्ड टू सीवियर एनोरेक्सिया मिलेगा। पैरालिसिस के भी कई केसेस डिटेक्ट किया गया है फास्फोरस डिफिशेंसी की वजह से। इस तरह आप देख रहे हैं कि फास्फोरस का बहुत ही डाइवर्स सिम्टम आता है फास्फोरस डिफिशेंसी का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिटेक्ट कैसे करें कि फील्ड में फास्फोरस का लेवल ऑप्टिमम है या नहीं है। फील्ड कंडीशन में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन दोज हु आर एबल टू एनालाइज कि फील्ड का एनालिसिस करवा के आप फास्फोरस का लेवल देख सकते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जान लें कि कौन कौन सा फीड इंग्रेडिएंट्स हैं जो फास्फोरस रिच है और कौन सा फास्फोरस पुअर है। कई बार जो एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स भी हैं, जिनको ग्रीन फोडर प्रोवाइड भी करा रहे हैं, वहाँ भी फास्फोरस डिफिशेंसी होता है। तो जो भी ग्रीन फोडर है, ग्रासेस है, या विंटर में हम लोग बरसीम और ओट का प्रोडक्शन करते हैं, ये काफ़ी फास्फोरस रिच है। लेकिन स्पेशली जो खरीफ का जो क्रॉप होता है, मेज और ज्वार बाजरा का क्रॉप होता है, इसमें कई बार फास्फोरस का डिफिशेंसी मैच्योर, खासकर क्योंकि मैच्योर क्रॉप्स हैं, क्योंकि जो सकुलेंट क्रॉप्स हैं उसमें फास्फोरस बिल्कुल ऑप्टिमम होता है, लेकिन जो मैच्योर ग्रीन फोडर्स हैं उसमें फास्फोरस का कंसंट्रेशन कम जाता है। एक अर्बन एरिया में या इवन रूरल एरिया में भी एक प्रैक्टिस है कि एनिमल्स को एग्रीकल्चर वेस्ट खिलाते हैं, भूसा, वीट भूसा खिलाते हैं या पेडी स्ट्रॉ खिलाते हैं, तो ये फास्फोरस काफ़ी पुअर है फास्फोरस कंसंट्रेशन। तो वैसे एनिमल्स जिनको हम लोग भूसा ड्राई फोडर पे रियर करते हैं अर्बन एरिया में, खास करके जहाँ ग्रीन फोडर नहीं है, वैसे एनिमल्स को फास्फोरस का सप्लीमेंटेशन डेली फीड में निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो एक तो आप बॉडी का जनरल हेल्थ स्कोर नीचे चला जाएगा, बॉडी स्कोर हेल्थ डिटोरिएट करेगा, बहुत सारे डिफिशेंसी सिम्टम आएगा और अल्टीमेटली ये आपका प्रोडक्शन लॉस होगा मिल्क प्रोडक्शन में। और वैसे एनिमल्स को दोबारा हिट में आने में, कंसीव करने में भी समस्या, काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो फास्फोरस के दूसरे की जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं, खास करके ब्रान है, व्हीट ब्रान, ये काफ़ी फास्फोरस रिच है। ग्रेन का जो भी छिलका वाला पार्ट होता है वो काफ़ी फास्फोरस रिच होता है।
लाइक यूजुअल प्रैक्टिस है कुछ एरिया में जहां पे खास करके जो फास्फोरस डेफिशिएंट एरिया है वहां पे जानवरों को डेली चोकर खिलाने का यूजुअल प्रैक्टिस डेवलप किया है। एनिमल भी रिलीज करते हैं उस चीज को। राइस ब्रांड भी काफी बढ़िया सोर्स है फास्फोरस का, लेकिन राइस ब्रांड के साथ एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, उसको काफी लंबे समय तक आप रख नहीं सकते हैं, ओवर एंसिड हो जाएगा और ओवर एंसिडिटी की वजह से पंजेंट स्मेल आता है, वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो फीड का जो फ्लेवर और टेस्ट है उसको भी डिस्टर्ब करता है। सीआर कैल्शियम फास्फोरस रेशियो के बारे में हम बात करेंगे कि ये अलग अलग प्रोडक्शन स्टेज में अगर फीड में कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो वेरी करता है, लेकिन जो प्रोडक्टिव एनिमल्स हैं उसमें कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो 2:1 से 3:1 के बीच में होना चाहिए। ये ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन डाइट में होने से फास्फोरस का डिफिशियंसी को बॉडी में काफ़ी मेंटेन करता है। दूसरी एक बात बताना चाहेंगे कि एक्चुअली प्रोडक्शन स्टेट कौन सा किस स्टेज में है एनिमल उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे सब फास्फोरस को सप्लीमेंट करने टाइम में, खास करके जो ड्राई एनिमल्स हैं हम लोग इसके एक्सक्रीशन के बारे में जानते हैं कि जो भी बॉडी में फास्फोरस जाएगा वो मेनली उसका एक्सक्रीशन का रूट फीसिस है, वो गोबर के साथ बाहर निकलेगा करीब 69-70%, बाकी का लगभग 30% मिल्क में बाहर आएगा और अराउंड 1% के आसपास वो यूरिन में बाहर आता है। अगर बॉडी में फास्फोरस हम लोग ज़्यादा देंगे फिर भी यूरिन का जो फास्फोरस एक्सक्रीशन का लेवल है वो बिल्कुल अनचेंज रहेगा, जो भी अनडाइजेस्टेड या अनएसिमिलेटेड बॉडी का फास्फोरस है वो मेनली फीसिस के माध्यम से ही बाहर आएगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो भी अनयूटिलाइज्ड फास्फोरस है वो गोबर के माध्यम से बाहर आ रहा है, उसको अगर उस डंग को हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस में डायरेक्टली या कंपोस्ट बना के या वर्मी कंपोस्ट बना के यूज कर सकते हैं तो वो हमारा फील्ड का हमारे फार्म्स का फास्फोरस लेवल को भी इन्हांस करेगा, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी में फास्फोरस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लैक्टेशन स्टेज में हम बात करेंगे कि ड्राई स्टेज में अगर 4:1 का भी रेशियो है तो वो कोई भी डिफिशेंसी सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन प्रेगनेंसी स्टेज में उसको 3:1 मिलना काफ़ी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो प्रोडक्शन स्टेज में अगर लैक्टेशन स्टेज में है तो चूंकि मिल्क में कम फास्फोरस निकल रहा है बाहर और अर्ली लैक्टेशन स्टेज का प्रोडक्शन भी ग्रेजुअली इंप्रूव करता है तो उस समय फास्फोरस अलग से सप्लीमेंट नहीं भी करेंगे, अगर वो फीड में ऑप्टिमम है तो उसको जरूरत नहीं है, लेकिन जब पीक लैक्टेशन का जब पीरियड आएगा उस समय फास्फोरस काफ़ी मात्रा में मिल्क में ड्रेन होता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनेटली फास्फोरस भी मिल्क में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलने लगेगा, उस अगर उसमें हम फास्फोरस अगर नहीं फीड करेंगे तो बॉडी से उसके बोन से एनिमल के बोन से फास्फोरस मोबिलाइज होकर ब्लड में आएगा और वो फिर मिल्क में आएगा, तो इवेंचुअली ब्लड का फास्फोरस लेवल काफ़ी कम जाएगा, उसमें एनिमल्स का बॉडी भी बोन भी काफ़ी फ्रेजाइल हो जाएगा और ये अल्टीमेटली इसका रिप्रकाशन ये होगा कि एनिमल्स जो है वो हिट में नहीं आएगी, एनस्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा, तो ये काफ़ी लंबा नुकसान है। इसलिए बफेलो में खास करके हम लोग देखते हैं कि बफेलो का तो नेचुरली ही लैक्टेशन लेंथ कम होता है 200 दिन से 220 दिन तक होता है, तो जो भी एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन वाले जो बफेलो हैं उनको जब पीक लैक्टेशन में आए तो उसको निश्चित रूप से फास्फोरस दें, उससे दो फायदा इमीडिएट मिलेगा कि एक तो मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सस्टेन बना रहेगा पीक स्टेज में, दूसरे कि उनको नेक्स्ट कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बफेलो में फील्ड कंडीशन में काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम है कि कई बार उनका लैक्टेशन को लंबा करने के लिए उसको काफ़ी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देने लगते हैं जो कि फास्फोरस में थोड़ा पुअर होता है या फास्फोरस को जो मिल्क में ड्रेन आउट हो रहा था उतना प्रोपोर्शनेटली हम लोग बाहर नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ दिनों तक तो हम लैक्टेशन को प्रोलॉन्ग कर लेंगे लेकिन वैसे बफेलो वह एनस्ट्रेस में चले जाते हैं वो हिट में नहीं आते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि फास्फोरस को हम लोग मेंटेन करें। जो फार्म एनिमल है या जो फील्ड के जो फार्मर्स जो एनिमल रखते हैं उसमें विटामिन डी का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फास्फोरस को बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने और एसिमिलेट होने में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बॉडी विटामिन डी का एक बहुत बढ़िया सोर्स है सनलाइट, तो वैसे एनिमल्स जो कि ओपन में ग्रेज करने जाते हैं या जिनको सनलाइट अवेलेबल होता है तो उनमें विटामिन डी का सिंथेसिस ऑप्टिमम होता है, और जब भी विटामिन डी का सिंथेसिस ऑप्टिमम होगा तो उनके फीड से उनके इंटेस्टाइन से फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होते रहेगा,
वैसे एनिमल जो परमानेंटली फॉर्म में या इंडोर रहते हैं उनको सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता है, वहाँ विटामिन डी का भी कमी हो जाता है। वैसे स्थिति में हम लोग अलग से विटामिन डी का सप्लीमेंट एनिमल्स को देना पड़ता है सो दैट कि फास्फोरस का बॉडी में एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन प्रॉपरली होते रहे। फास्फोरस के बारे में एक ब्रीफ है, हमारे बॉडी में करीब 80-85% जो है वो बोन में टीथ में रहते हैं। ये सारे ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है बॉडी में, जैसा कि हम बताया कि टीसीए साइकिल एनर्जी रिलीज का कई एंडोक्राइन सिस्टम को भी प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, एनिमल्स का रिप्रोडक्टिव फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग अगर हम बात करें तो प्रॉपर फॉलिकल का डेवलपमेंट होने में फास्फोरस का रोल है, टाइमली ओवा का रिलीज होने में, उसको डिसेंट होकर के फैलोपियन ट्यूब में आने में, फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका सेल डिवीजन होने में, इम्प्लांट होने में, फिर उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में फास्फोरस का हर जगह रोल है। फास्फोरस का जब सीवियर डिफिशेंसी का एक और रिपरकशन यह दिखा गया है कि वो अर्ली क्रोनिक डेथ के केसेस फील्ड कंडीशन में ज़्यादा बढ़ जाते हैं वैसे में उसमें जहाँ फास्फोरस डिफिशेंसी होता है। ऐसे एनिमल को डिटेक्ट करने के लिए जैसे हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि वो स्ट्रेस साइकिल 21 दिन का होता है, तो अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो वापस 21वें दिन फिर से वो हेड में आएगी। लेकिन जो अर्ली ब्रीडिंग के डेथ के केसेस हैं तो वो फार्मर्स हमेशा वो कंप्लेन करेंगे कि वो उनका एनिमल को एआई करवाया गया, इंसेमिनेट कराया गया, 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद या कई बार 2 महीने के बाद वो दोबारा से हेड में आ गए। तो जब भी यूजुअल 21 दिन के साइकिल्स के बाद अगर रिपीट दोबारा से हिट में आ जा रही है, रिपीट कर जा रही है एनिमल्स, तो ये सिम्टम है अर्ली ब्रोनिक डेथ का। तो उसका एक रीज़न ये भी है फास्फोरस का बॉडी में कमी होना। दूसरे भी आपको जैसा बताया कि लेमिनाइटिस, फास्फोरस डिफिशेंसी इंड्यूस्ड लेमिनाइटिस, ये बड़ा प्रॉब्लम है खास करके बरसात के दिनों में, क्योंकि हम लोग को ये जानते हैं कि रूमेन जो है वो एक बड़ा ही टिपिकल टाइप का फंक्शन है उनका, मोनोगैस्ट्रिक से कंपेयर करें इनकेस, तो रूमेन्स में बहुत से माइक्रोब्स हैं, सेलेटिक माइक्रोब्स हैं, ये जो भी हम लोग खिलाते हैं उनको माइक्रोबियल प्रोटीन में बदलते हैं, यानी कि वो उनको खा जाएंगे तो वापस वो माइक्रोबियल प्रोटीन बनाएंगे और वो फिर लोअर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। और रूमेन का नॉर्मल फंक्शन के लिए, माइक्रोबियल प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनोरेक्सिया, माइल्ड एनोरेक्सिया अगर डेवलप कर रहा है तो आप फास्फोरस को सप्लीमेंट करें, इससे भी रूमन का फंक्शन, रूमन माइक्रोब्स का फंक्शन, रूमन का प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन, माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन काफ़ी इम्प्रूव होगा। और इसके वजह से जो फास्फोरस डिफिशेंसी से इंड्यूस लेमिनाइटिस है, जॉइंट्स का स्वेलिंग है, मसल क्रैम्प का प्रॉब्लम है, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। ये रेशियो है एक्सक्रीशन का, फीसेस में करीब 69%, मिल्क में 30% और बाकी का यूरिन में, ये इतना जो भी फास्फोरस जो अन्य एब्जॉर्ब है, जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सिमुलेट नहीं हुआ, वो एक्सक्रीशन का एक फ्रैक्शन है। हम लोग मार्केट में बहुत सारे कमर्शियल फास्फोरस के सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप न्यूट्रिशन में जो आपका राशन है उसके इंग्रेडिएंट में इसको सप्लीमेंट करें। उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि फास्फोरस रिच इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। ब्रांस को आप इस्तेमाल करें, व्हीट ब्रान इज द बेस्ट फॉर फास्फोरस सप्लीमेंटेशन। जो भी लेट लैक्टेशन, अर्ली लैक्टेशन स्टेज को जो क्रॉस कर गया जो एनिमल, उसको आप ब्रांस सप्लीमेंट करें। व्हीट ब्रान सबसे बढ़िया ऑप्शन है, राइस ब्रान अगर अवेलेबल है, फ्रेश राइस ब्रान, तो उसको सप्लीमेंट करें। लेकिन ध्यान रहे राइस ब्रान को सप्लीमेंट करने समय कि उसको काफ़ी लंबे समय तक अगर आप एक्सपोज करके रखेंगे तो रेंसिड हो जाएगा, वहाँ फास्फोरस का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा और दूसरे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस रूमन फंक्शन को डिस्टर्ब करने लगेंगे। उसके अलावा जो मैंने जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, बहुत सारे फास्फोरस का सप्लीमेंट है, उसके बारे में भी जानिए। एक चीज़ जानना जरूरी है कि हम बाहर से कई बार इंजेक्टेबल फॉर्म में या ओरल फॉर्म में फास्फोरस देते हैं, तो वो अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा तो वो बॉडी में जब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा, बायोअवेलेबिलिटी उसका ज़्यादा होगा, एसिमिलेशन क्विक होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक फास्फोरस देंगे उसको वापस इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने में उसका एफिशिएंसी काफ़ी कम जाता है, वो बायोअवेलेबिलिटी डिले होगा और वो उसका इफेक्ट आने में, जो भी डिफिशियंसी सिम्टम है उसको खत्म होने में टाइम लगेगा। तो कोशिश ये करें कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में फास्फोरस इस्तेमाल करें।
उसके लिए कई बार हम लोग ओरल क्रिस्टल सीड इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस का, इनऑर्गेनिक फास्फोरस का नाम से अवेलेबल है, उसको आप फीड सप्लीमेंट के साथ में दे सकते हैं। जो वैसे एनिमल जो एनिस्ट्रेस कंडीशन में है, बाकी सारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ठीक ठाक है, बॉडी स्कोर बढ़िया है, फिर भी नहीं हो रहा है, हीट में आ रही है या किसी तरीके का फास्फोरस डिफिशेंसी का सिम्टम आ रहा है, उस समय आप ये जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नोविजैक है, ये बफर के साथ में आता है, ऑर्गेनिक फास्फोरस है, यूरिमिन है, टोनोफॉस्फेन है, टोनिरिसिन है, ये सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग फास्फोरस डिफिशियंसी को एक बहुत हद तक कम कर सकते हैं। लास्ट में हम ये बताना चाहेंगे कि फास्फोरस के रोल को अंडरमाइन नहीं करें, इसके डिफिशियंसी सिम्टम को जाने, कौन कौन से इंग्रेडिएंट है जो फास्फोरस रिच है, फार्मर्स स्पेशली या जो फील्ड वेटनरियंस हैं वो किस स्टेज में फास्फोरस का डिफिशियंसी होने का संभावना ज़्यादा होता है, उस स्टेज में फास्फोरस का सप्लीमेंट करने के लिए सजेस्ट करें फार्मर्स को। एनिमल्स अगर अर्ली लैक्टेशन स्टेज में है तो अगर ब्राम की मात्रा कम देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जब पीक लैक्टेशन स्टेज में आ गया तो आप कंसंट्रेट के साथ साथ कई बार हम लोग बाईपास प्रोटीन बाईपास फैट टाइप का एनर्जी रिच सप्लीमेंट हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन फास्फोरस को हम लोग ऐड करना भूल जाते हैं, तो प्रोपोर्शनेटली आप फास्फोरस की मात्रा को भी पीक लैक्टेशन स्टेज में बढ़ाएं, तो खास करके जब वो लास्ट का जब लैक्टेशन स्टेज होता है उस स्टेज में, चूँकि कई बार एनिमल्स जो है यूजुअली होना क्या चाहिए कि एक बार काविंग हुई लैक्टेशन स्टेज में आए तो विद इन 60 डेज उसको दोबारा से कंसीव कर जाना चाहिए आइडियली, लेकिन कई बार डिफिशेंसी की वजह से या कई बार एंडोक्राइन डिस्फंक्शन की वजह से बॉडी स्कोर पुअर होने की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो जैसे ही पीक लैक्टेशन में जाएगा तो उसमें कंसीव करने का प्रोबेबिलिटी और भी कम जाएगा, और अगर वो लेटर लैक्टेशन स्टेज में जाएगा तो अगर फास्फोरस डिफिशियंसी है तो वो फिर एनिस्ट्रेस का कंडीशन आएगा और इस तरह आपका वो एनिमल का प्रोडक्टिव लाइफ कमते जाएगा। तो कोशिश ये करें कि उनको दोबारा से पार्किंग के बाद उसको 60 डेज 90 डेज के बीच में वो निश्चित रूप से हिट में आए और उसको सक्सेसफुल इंसेमिनेट करें। थैंक यू।